Since we will continue list, in last week we discussed कि there are different methods and functions of list. एक हमने discuss किया था in case of the functions हैं. Length function, sum function, min function, max function. ठीक है, तो इसका जो मेथड है कि हमने इसके बीच में जो पैरामीटर लेना वो लिस्ट लेना है. ठीक है, तो जैसे सपोज अगर हमारे पास एक लिस्ट एल है तो आपने ऐसे करना है, लेंथ एल या सम एल या मिन एल या मैक्स एल, क्योंकि ये फंक्शन है. आफ्टर दैट वी डिस्कस सम मेथड्स. मेथड्स में क्या होता है कि आपको लिस्ट का नेम बिगिनिंग में लगाना है डॉट मेथड में. उसका भी क्या बेटा, फर्स्ट इज लिस्ट नेम डॉट मेथड मेथड नेम. ठीक है, तो एक हमारे पास मेथड है अपेंड. ठीक है, तो हमें यूज कैसे करना था, ठीक है, जैसे लिस्ट इज एल डॉट अपेंड ऐसे करना है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. देन वी डिस्कस एक्सटेंड इंसर्ट. Then pop is for deletion. Then remove and clear. Then sort. Then reverse. Sorted. Then count. These are the different methods of list. Now next is, I'm going to make a program for my list is one list L. ये मेरे पास लिस्ट है. आई वॉन्ट कि आफ्टर एग्जीक्यूशन मेरे पास जो लिस्ट होनी चाहिए जीरो प्लेस के ऊपर जो एलिमेंट है जीरो इंडेक्स के ऊपर वो वन के साथ रिप्लेस होना चाहिए. मीन्स 33 पहले आना चाहिए, आफ्टर दैट 12. मीन्स मेरी लिस्ट बननी चाहिए यहाँ पे 33, यहाँ पे 12, यहाँ पे 78 और यहाँ पे 44 और यहाँ पे 12, हियर इज 55. नॉट रिवर्स, इमीडिएटली नेक्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप हो गया. मींस एलिमेंट एट इवन इंडेक्स रिप्लेस विद एंड ओड वन रिप्लेस विद. ठीक है, हम ये तो बेटा ये देखो ये 12 30 आपस में रिप्लेस हो गए. 12 चला गया, 33 इधर आ गया, 44 इधर चला गया, 78 इधर आ गया. पेयर बन गया आपस में, वैल्यू रिप्लेस हो रही है. मैं कर रहा हूँ, आपने एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस कि इसके पीछे लॉजिक क्या है. तो भी आपने बेटा इसको स्क्रिप्ट मोड में लिखो तो बेटर रहेगा. ये प्रोग्राम है हमारे पास में. लिस्ट इज हियर. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द लूप. 4i इन रेंज लेंथ ऑफ एल. बेटा व्हेनेवर आई विल यूज अ रेंज फंक्शन इट मींस I'm concerned with the index. ठीक है, तो i की वैल्यू पहले 0 होगी, देन 1, 2, 3 लाइक दिस. तो आपने जो स्वैपिंग इन पाइथन इज वेरी इजी. इजी कैसे है, ये देखो तो l 0, टेल मी कौन सा एलिमेंट है l 0 के ऊपर बिगिनिंग में. ठीक है, आई एम टेकिंग l, अगर मैं i ले लूं तब भी तो 0 ही होगा. जीरो होगा ना बेटा, जब आई
ठीक है, और जो एल आई प्लस वन, हमें बताओ कौन सा एलिमेंट होगा, जीरो प्लस वन मीन वन मीन्स 33। देख ये समझ लग गया कि नहीं आपको, I की वैल्यू जीरो है तो L जीरो में 12, ठीक है, L I प्लस वन, I प्लस वन मीन्स I की वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस वन मीन्स वन, तो L वन में क्या है वैल्यू 33, तो इसको रिप्लेस करना है L में, देखो बेटा ये फर्स्ट एलिमेंट इसको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी 10, और इसको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी जीरो की, इसका मतलब एल जीरो को एल वन की वैल्यू मिल गई, एल वन को एल जीरो की वैल्यू मिल गई, क्लियर हो गया, आई था हमारे पास जीरो, तो मैं इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखना हो, इसका मतलब आई एल जीरो एल जीरो कॉमा एल वन, ठीक है, इज इक्वल टू एल वन कॉमा एल जीरो, इसका मतलब इसको देखो बेटा, एल जीरो को कौन सी वैल्यू मिली एल वन की, और एल वन को कौन सी वैल्यू मिली एल जीरो, सबको क्लियर है, रेज योर हैंड इन केस एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग बेटा, क्लियर, तो ये हमारे पास होगी स्वैपिंग, तो जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, अब प्रॉब्लम ये है, अब प्रॉब्लम यहाँ कहाँ पे आएगी, आई के बाद इमीडिएटली आफ्टर स्वैपिंग दीज टू हमने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमें इसको स्वैप नहीं करना, हमने इसको स्वैप कर लिया एक बार, तो आई वांट टू जंप टू हियर, जंप हियर, ठीक है, तो मुझे इंक्रीमेंट कितने का देना है, टू का, बाय डिफॉल्ट इट इज इंक्रीमेंट ऑफ वन, ये देखो बेटा एक बार मैंने इन दोनों की स्वैपिंग कर ली, आई मीन इन दोनों की स्वैपिंग करनी ना, मैं नेक्स्ट अदरवाइज मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इस इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, फिर इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, तो मैं इन दोनों की स्वैपिंग करने के बाद आई वॉन्ट टू कम हेयर, तो इसका मतलब मुझे इंक्रीमेंट कितने का करना पड़ेगा, टू का, यहाँ एग्जीक्यूट करूं उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में हटा दिए, ये देखो अभी पर यहाँ पे चेंज नहीं आया क्योंकि लिस्ट का ना बेटा भी मैंने इसको कन्वर्ट करना वाई में भी नोट ना करना भी फोर लूप में ना ये प्रॉब्लम काफी इशू रहती है क्योंकि सीक्वेंस मेंटेन रहता है, ठीक है, तो इसका जो बेटर अल्टरनेटिव है आप क्या करो इसमें वाइल यूज करो, जब भी आपने एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ फोर लूप यूज वाइल लूप, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करा करोगे यहाँ पे कि आई एम टेकिंग वन वेरिएबल x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक वेरिएबल ले लो y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 10, और यहाँ पे y x लेस देन y, तो टेल मी कि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सिक्स तक है, ठीक है, और हमारे पास x की 0 लेस देन 6, यस, ये कहाँ से चलेगा 5 तक, क्योंकि हमने लेस देन यूज किया है, तो पर इन फोर लूप आपको जो इंक्रीमेंट है वो यू विल हैव टू डिक्लेयर है, इंक्रीमेंट लगाना है तुम आपने, तो i इज इक्वल टू i प्लस सॉरी x, यहाँ पे हमने x यूज किया ना, x इज इक्वल टू कितने का इंक्रीमेंट होगा बेटा यहाँ पे 2 का, ठीक है, 1 का नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हमने x यूज किया हुआ है, i की जगह हमने x यूज कर लिया ना बेटा यहाँ पे,
ये देखो 33 देन 12, उसके बाद 78 पहले आ गया, 44 आफ्टर दैट, देन 55 12 पहले आ रहा है, 55 बाद, ठीक है। तो नोट, तो आउटपुट इज एज पर एक्सपेक्टेशन, तो ये आपने इसकी कोड लिखी है, रेस्ट ऑफ कंसेप्ट सेम। एल जीरो में एल वन की वैल्यू, एल वन में एल जीरो की वैल्यू, मैं फिर इसकी कोडिंग ना नोटपैड में कॉपी करके भेज आपको, मैं नोटपैड में कॉपी कर देता हूं। विजिबल बेटे, जब आप सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं, बाय 1 2 3 ऐसे करते चलते हैं, पर जब सीक्वेंस ब्रेक करते हैं तो प्रॉब्लम ब्रेक करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी इन प्लेस ऑफ फॉर लूप यहां पे व्हाइल लूप। वर्क तो सेम है, दिस इज योर स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज योर एंडिंग वैल्यू, दिस इज चेंज इन द वैल्यू। Execute this. एक और क्वेश्चन है, ये हो गया सकता चलो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे हम, हमारे पास ये लिस्ट थी, ठीक है। आई वांट की आफ्टर एग्जीक्यूशन मेरे पास ये लिस्ट बननी चाहिए ऐसे, और इधर क्या क्या चेंज हुआ इसमें, कौन सा चेंज है, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है। देखो फर्स्ट हाफ स्वैप विद सेकंड हाफ,
फर्स्ट हाफ जो लिस्ट का फर्स्ट हाफ है तो सेकंड हाफ के साथ स्क्रैप हो गया, ठीक है। तो 78-55-12 ये सेकंड हाफ है, ये पहले की तरफ आ गया बिगनिंग, एंड 12-33-44 एंड क्लियर। तो प्रोग्राम इज मेक ए प्रोग्राम टू स्वैप फर्स्ट हाफ ऑफ लिस्ट विद सेकंड हाफ। Clear? First, I will save as this program. मैं इसमें change कर रहा हूँ. After that, I will implement and then you will discuss the method, the logic, and then you will do it. If I divide the number by 2, length हमने find out कि 2 से divide कर दिया, length इसकी कितनी थी? 3. तो मेरा loop 0 से शुरू हुआ, कहाँ तक जा रहा है? Less than 3, means 0, 1, 2. 0 को मैंने किसके साथ replace करना है? 3 के साथ. 1 को 4 के साथ एंड 2 को 5 के साथ ये रिप्लेस करना, ठीक है। नाउ ये वैल्यू मैं एक थर्ड वेरिएबल में जेड में कॉपी कर रहा हूँ, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी। अब हमारे पास जी में या जेड में कौन सी वैल्यू है? 3, ठीक है। तो हमने एल एक्स को रिप्लेस कर दिया इसके साथ, एक मिनट, ठीक है। तो 0 किसके साथ रिप्लेस हुआ? 3 के साथ। फॉलो कर रहे हैं बेटा? ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमने जेड की वैल्यू या जी की वैल्यू जो भी आप कह सकते हो, इसमें हमने क्या लिया? वाई की वैल्यू। वाई में हमने क्या किया था? जितनी लिस्ट की लेंथ थी उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। लेंथ थी 6, डिवाइड बाय 2 करने से क्या हो गया? 3। तो 0 एलिमेंट को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? 3 के साथ, ठीक है। रिप्लेस हो गया, उसमें स्वैपिंग हो गई। अब एक्स में तो 1 का इंक्रीमेंट लगना चाहिए, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब उसके बाद जी में कितने का इंक्रीमेंट लगना चाहिए? अगेन 1 का। अब नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। और जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 1 4 के साथ जाएगा, सॉरी प्लस आएगा, ठीक है। और उसके बाद x की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू कितनी हो गई? 5। स्वैप हो गया। हमारा जो लूप है एग्जैक्टली हाफ तक चल रहा है। अगर हाफ तक ना करते तो उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाती? 3। स्वैप किसके साथ होना है? 6 के साथ। वो आउट ऑफ रेंज होना। क्या होना था बेटा? आप आउट ऑफ रेंज, ठीक है। इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं आंसर। ठीक है, आंसर करेक्ट बेटा, ठीक है। लाइक लॉजिक क्लियर है? आठ आता रही है। टू टाइम वैल्यू थी ना बेटा, एक 12, 78, 55, 12 आगे चला गया। एक मिनट, यहाँ हाँ ये वैल्यू रेप्लिकेट हो रही है। एल एक्स एल जीरो में एक, ओके टेन में हमने एक और गलती की यहाँ पे,
कौन बताएगा इस स्टेटमेंट में एक मिस्टेक है? हाँ, एल जीरो में एल थ्री की वैल्यू आ गई, अब एल थ्री में कौन सी वैल्यू आएगी? एल जीरो की बाउंड्री लगाएंगे ना यहाँ पे, एल ये हमने लगाया यहाँ पे, फिल ही किया, ये भी हमें करना चाहिए था ना। क्लियर है ये? ठीक है, एल जीरो में एल थ्री की वैल्यू और एल थ्री में एल जीरो की वैल्यू, तभी स्वैपिंग होगी। अब करके देखते हैं, रन करके देखते हैं प्रॉब्लम को। अब ठीक है, 78, 55 और 12, और उसे 12, 33, 44, यस सर। मैंने यहाँ पे बताओ थर्ड वेरिएबल क्यों लिया है? तो मैं अगर यहाँ पे वाई ले लेता, ये वाई ले सकता था यहाँ पे, यस देन रीजन कि मैंने वाई क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि वाई की वैल्यू के साथ कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू चेंज होती रहनी थी, तो कंडीशन भी क्या होनी थी, कंडीशन भी आगे इंक्रीज हो रही थी, तो दैट्स वाई इसको फिक्स करने के लिए। तो ये वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये वैल्यूज है। इसने इसके साथ रिप्लेस हुई, ये इसके साथ रिप्लेस हुई, ये इसके साथ रिप्लेस हुई। अगर हम दो को हाफ तक भी चलाएंगे तो 44 इसके साथ पैक होगा, आउट ऑफ इंडेक्स चले जाए। ठीक है, ऐसी 55 किसके साथ पैक होगी, आउट ऑफ इंडेक्स। 60 किसके साथ पैक होगा, आउट ऑफ इंडेक्स।
नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ यू विल मेक द प्रोग्राम, राइट डाउन, मेक ए प्रोग्राम, मेक ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज ए लिस्ट if the element is divisible by 5 then swap it with next element. ये देखो बेटा, इस प्रोग्राम में 12 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसको छोड़ देना, 33 है, नहीं है 44, जहां पे भी कोई एलिमेंट 55 से डिविजिबल है, 55 है, इसकी स्वैपिंग करनी है नेक्स्ट एलिमेंट के साथ. Well, इधर आ जाए 55 इधर आ जाए. Means if number is divisible by 5, then it will swap with the next element. इसके बाद swapping होगी. Otherwise, swapping नहीं करते. Start down. Now you see कि your logic.
टाइम हो गया वगैरह वाला, तो आई विल मेक इट चेंजेस. ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. देखो बेटा इधर स्वैपिंग ठीक है, पर ये प्रोग्राम हमारे पास जो पहले प्रोग्राम था ठीक है, ये स्वैपिंग है पर नॉर्मल जैसे हमने स्वैपिंग की थी नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, पर इसके साथ एक कंडीशन लगा देनी है हमने. इफ दी एक्स परसेंटेज 5 डबल इक्वल टू 0 इन दैट केस यू विल स्वैप. और उसी केस में आपने एक्स में इंक्रीमेंट कितने का लगाना है और एल्स में अदरवाइज इंक्रीमेंट कितने का होगा, एल्स इंक्रीमेंट इज ऑफ 1, एल्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, अदरवाइज नॉर्मल है इंक्रीमेंट 1 month का इंक्रीमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वी विल हैव टू डिफाइन. तो रन करते हैं इसको, रेंज के बाहर जा रहा है ये, रेंज के बाहर, इसका मतलब ये 1 less by 1 करना पड़ेगा. ये उसके साथ ये यहाँ पे आ गया ना, इसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर रहा है. तो हो गया ठीक है, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस, फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस वन देन वी विल कंटिन्यू देन वी विल डिस्कस अगेन दिस प्रोग्राम. ओके बेटा, एक स्वैप प्रॉब्लम है ना, ये नोट करना बेटा, टुमारो वी विल कंटिन्यू. ओके स्टूडेंट्स, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग, टेक केयर, बाय बेटा.